वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? टाइटल एंड थंबनेल देख के आप तो समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरा अपडेटेड मेकअप वैनिटी 2023 का। मैंने आपसे एक 2022 में वीडियो शेयर किया था कि मेकअप आर्टिस्ट की मेकअप वैनिटी में क्या क्या होना चाहिए, तो बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आपने मेकअप थोड़ा चेंज किया, प्रोडक्ट चेंज किया, तो हमें बताओ कि हम सलून ओपन कर रहे हैं या फिर हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या फिर हम नया नया अभी मेकअप कोर्स सीखे हैं, तो हमें अपनी वैरायटी में क्या रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो इस वीडियो में सारा कुछ है, ड्रग स्टोर, अफोर्डेबल, हायर ब्रांड, सब कुछ मैंने बता दिया है। तो मोस्टली जितने भी प्रोडक्ट मैंने आज की वीडियो में आपको शो किए हैं तो सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से परचेस किए। एंड हाँ गाइज, अमेजोन पे स्टार्ट हो रहा है सेल जो कि है ग्रेट रिपब्लिक डे सेल, जो कि स्टार्ट हो गया है 14 जैन से ही, जिनका प्राइम मेंबरशिप है यानी उनको अर्ली एक्सेस मिलेगा। एंड ऐसे तो 15 जैन से स्टार्ट है, तो आप भी भर भर के शॉपिंग कीजिए एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा। इस ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में आप ले सकते हो बहुत सारे ब्यूटी फैशन के प्रोडक्ट, जिसमें आपको बहुत अच्छा खासा ऑफर मिलने वाला है। सो मेक श्योर आप अमेजोन ऐप पे जाइए एंड शॉपिंग कीजिए एंड सारे ब्यूटी प्रोडक्ट को अफोर्डेबल रेंज में ग्रैब कीजिए। सो सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इवन अगर आप प्राइम मेंबर है तो आपको तो 14 जैन से ही ऑफर मिलेगा, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मेकअप वैनिटी में क्या क्या होना चाहिए एंड क्या मैं यूज करती हूँ एंड क्या मैं गाइस। सो मैंने यहाँ पे अपने सारे प्रोडक्ट निकाल लिए, तो मैं जब भी ब्राइल को रेडी करने जाती हूँ ना, इसी तरह से मैं कैटेगरी डिवाइड कर देती हूँ अपने प्रोडक्ट का, ताकि मुझे पता चले कि कौन सा फाउंडेशन किसमें है, फिर अफोर्डेबल वाला किसमें है, ड्रग स्टोर किसमें है, हाई ब्रांड का किसमें। तो मैंने हर कुछ कैटेगरी डिवाइड कर दिया है। सो जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ अपने मेकअप वैनिटी में, ये मेरा अपडेटेड मेकअप वैनिटी है 2023 का, तो आपको समझ भी आएगा कि आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है, आपके बजट में जो फिट होगा वो रखना। मैंने तीनों कैटेगरी डिवाइड कर दिया, जैसे कि सबसे अफोर्डेबल, फिर मीडियम रेंज का, फिर हाई ब्रांड का। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या होता है मेकअप, देखो मैं जहां से स्टार्ट होता है, क्लेंजिंग से स्टार्ट होता है, तो मैं क्लेंजिंग से बता रही हूँ। क्लेंजिंग के लिए आप कोई भी तरह का यूज कर सकते हो, क्लेंजिंग मिल, जैसे कि सलून में हमारे पास क्लेंजिंग मिल होता ही होता है, वो यूज कर सकते हो। सेकेंड आप ले सकते हो कोई भी तरह का वाइप्स। थर्ड आप ले सकते हो किसी भी तरह का कॉटन पैड, जिसमें जैसे कि वेट वाइप्स होता है ना वैसा। एंड आप माइसेलर वाटर यूज कर सकते हो, गार्नियर का, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। सो ये रहा, ये है गार्नियर का मिसेलर क्लेंजिंग वाटर। सो ये बहुत अच्छे से आपके वाटरप्रूफ मेकअप को भी निकालता है। सो जो क्लाइंट मेरे पास आते हैं ना ब्राइडल, जिनके फेस पे थोड़ा बहुत मेकअप होता है या हल्दी होता है, मैं यही यूज़ करती हूँ गार्नियर का, अदरवाइज मैं क्लेंजिंग मिल्क का इस्तेमाल करती हूँ। तो क्लेंजिंग मिल्क मैं यहाँ नहीं दिखा रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, इवन पैक का वाइप आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। कैन बारी आती है टोनर की, तो देखो टोनर के लिए आप यूज़ कर सकते हो ये डॉटन की का टोनर, ये है वाटरमेलन सुपर ग्लो टोनर, बहुत अच्छा टोनर है, ग्लाइकोलिक टोनर है, ये ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होगा। इवन मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे तभी भी अच्छा लगता है। तो आप एक ये टोनर रख सकते हो, जिसमें कि जो कि ग्लाइकोलिक हो, कुकुम्बर हो, फिर एक रख सकते हो आप ग्रीन टी टोनर जो कि प्लम का है। सो ये टोनर भी काफ़ी अच्छा, दोनों का दोनों अफोर्डेबल है, तो इन दोनों को भी आप अपने वैरायटी में रख सकते हो। अदरवाइज लवर्स का भी बहुत अच्छा होता है, वो भी ले सकते हो। बारी आती है मॉइस्चराइजर की, तो मॉइस्चराइजर के लिए मेरे पास तीन कैटेगरी है। एक है एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइजर, जो कि हर एक मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी में होना ही होना चाहिए, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। नेक्स्ट ये सेटाफिल का हो गया आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम, नेक्स्ट निविया सॉफ्ट। अब बात करते हैं ये तीनों लेना है नहीं, अगर आपका बजट 2000 का है या फिर 2100 का है तो आप एम्ब्रोलिस का ले सकते हो मॉइस्चराइजर, ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। एंड इसका प्राइस आप देख सकते हो कितना है, 2300 रुपीज़, बहुत अच्छा है। ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये ऐसे प्राइमरी बहुत अच्छा वर्क करता है, इसमें लिखा हुआ भी है कि ये मॉइस्चराइजर है, मेकअप बेस मॉइस्चराइजिंग मास्क है, सो बहुत अच्छा काम करता है एज ए प्राइमर। तो इसको आप हाई ब्रांड में रख सकते हो, जो क्लाइंट आपको ज़्यादा पे कर रहा है आप उसको ये वाला मॉइस्चराइजर यूज़ करोगे। नेक्स्ट सेटाफिल का, ये मैंने 1100 रुपीज़ में परचेस किया है। सो ये मॉइस्चराइजर भी मुझे काफ़ी पसंद है ड्राई स्किन के लिए। सो अगर आपकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है ना, यानी आपके क्लाइंट की, तो आप ये ले लेना। ऑयली स्किन वालों को आप ये दे सकते हो निविया सॉफ्ट, जो कि अफोर्डेबल, अल्ट्रा अफोर्डेबल आप इसको बोल सकते हो। बारी आती है प्राइमर की, में आप ले सकते हो ये स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस प्राइमर, बहुत अच्छा प्राइमर है ड्राई स्किन वालों के लिए, अफोर्डेबल है, अंडर 400 रुपीज़ का प्राइमर है। फर्स्ट हमारा ये प्रोडक्ट हो गया। सेकेंड यहाँ पे मेरे पास है ये, आप बोल सकते हो इनसाइट का प्राइमर, पोर मिनिमाइजर प्राइमर, अफोर्डेबल में ये भी अच्छा है।
नेक्स्ट प्राइमर जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, कलर बार का, आप इसको रख सकते हो ऑयली स्किन के लिए। नेक्स्ट आप रख सकते हो अपने मेकअप वैनिटी में पीसी का ऑयल प्राइमर, जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए अच्छा है एंड सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आप रख सकते हो ऑयली स्किन के लिए मेबलिन फिटमी का प्राइमर, ये भी बहुत अच्छा प्राइमर है। नेक्स्ट आप सिलिकॉन बेस में अगर रखना चाहते हो तो आप शुगर का भी रख सकते हो, ये भी बहुत अच्छा। अगर आप शुगर का ले रहे हो तो आप कलर बार का नहीं भी लोगे चलेगा। मेरा फेवरेट प्राइमर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अब, ये है रिकोड का एस ऑफ बेस प्राइमर, बहुत अच्छा प्राइमर, बहुत अच्छे से मेकअप को सेट करता है। नेक्स्ट आप रख सकते हो ये फॉरएवर 52 का प्राइमर मॉइस्चराइजर बेस, तो ये प्राइमर भी मुझे बहुत पसंद है, ये ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट जो कि मेरा फेवरेट प्राइमर है इन सारे प्राइमर में, वो है ELF का पोरलेस पुट्टी प्राइमर, पोर्स है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, तो आप इसको भी रख सकते हो। अफोर्डेबल में एक पर्पल का प्राइमर ये भी रख सकते हो, एंड एक जो मैं रखती हूँ ये है एफ्लेर्जा का मैजिक ड्रॉप, आगे इसके बारे में बात करूंगी। ये वाटरप्रूफ मेकअप के लिए काम आता है, तो इसको भी मैं अपने मेकअप एंट्री में रखती हूँ। तीन फेवरेट प्राइमर बोला जाए तो कौन है, वो है ELF का एंड रिकोड का, थर्ड ये आपको फॉरएवर 52। ये तीन प्राइमर मेरे मोस्ट फेवरेट। बारी आती है कलर करेक्ट की, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रही हूँ। तो कलर करेक्शन के लिए सबसे पहला है मेरा रिकमेंडेशन ये LA Girl का ऑरेंज कलर करेक्ट, ये बहुत अच्छा, आप इसको ले सकते हो, काफ़ी अच्छे से ये कंसीलिंग का भी काम करता है एंड एज ए कलर करेक्ट भी काम करता है। नेक्स्ट जो मैं यूज़ करती हूँ एंड जो मैं हर एक मेकअप आर्टिस्ट को रिकमेंड करूँगी तो मैं वो बता रही हूँ, तो ये फॉरएवर 52 का जो आप देख रहे हो ना कैमिफ्लेज SD पैलेट, पर्सनली मेरा फेवरेट है। बोलो क्यों? क्योंकि ये हर एक मौसम में अच्छे से काम करता है। बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है जैसे कि जून जुलाई में, वहाँ पे मैं इसका यूज़ नहीं करती हूँ, अदरवाइज मैं हर मंथ में इसको यूज़ करती हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे शेड है एंड मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है। देखो ये जितने भी आप शेड देख रहे हो, आप एज ए हाईलाइटिंग कंसीलर, आप एज ए कलर करेक्ट, आप एज ए कॉन्चोर भी इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइट ऑरेंज, मीडियम ऑरेंज, डार्क ऑरेंज सारे मिल रहे हैं एंड मैंने इस शेड को तो ख़त्म ही कर दिया है क्योंकि ये डार्क ऑरेंज काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है येलो अंडरटोन का, फिर डार्क कलर कॉन्चोर के लिए, फिर आपको वाइट वाला बेस भी मिल रहा है, पर्पल मिल रहा है, ग्रीन मिल रहा है, ये सारे आपको कंसीलिंग के लिए एंड करेक्टिंग के लिए यूज़ होंगे, ये आपको हाईलाइटिंग के लिए एंड कॉन्चोरिंग के लिए यूज़ होंगे। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेशन है ये वाला पैलेट, सो आप इसको ले सकते हो। नेक्स्ट बारी आती है कंसीलिंग पैलेट की और करेक्टिंग पैलेट की, तो क्रेलॉन ड्रमा आप ले लेना एंड क्रेलॉन सुप्रा ले लेना। यहाँ पे शेड दिख रहा है, मैं ब्राइडल यूज करती हूँ एक एंड मैं यूज करती हूँ कोलकाता 2, ड्रमा में मैं ब्राइडल शेड यूज करती हूँ एंड सुप्रा में आप देख सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छा है कंसीलिंग के लिए और करेक्टिंग के लिए। सो ये जो डार्क शेड सब आप देख रहे हो ना, ये सब मैं काफी यूज कर चुकी हूँ, इवन आप इसमें 303 नंबर देख रहे हो, ये बहुत यूज़ होता है, मतलब एज ए ऑरेंज कलर करेक्ट आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो अपने क्लाइंट के ऊपर। तो ये रहा 303 नंबर, सो ये बहुत अच्छा शेड है, तो इस पैलेट को भी आप ले सकते हो। सुप्रा मैंने बहुत यूज़ किया अभी सर्दी में एंड डर्मा तो भी मैं गर्मी में यूज़ करूँ, अभी फरवरी तक मैं इसी का यूज़ करने वाली हूँ, डर्मा का यूज़ नहीं करूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मैट है आप देख सकते हो, अभी काम नहीं करता है, तो आप इसको भी ले सकते हो। आपके वैनिटी में डर्मा सुपड़ा होना ही होना चाहिए। मैंने आपको कंसीलिंग तो दिखाई दिया, कंसीलर दिखा दिया, इवन मैंने कलर करेक्ट दिखा दिया, अब बारी आती है फाउंडेशन की। तो इस वाले कैटेगरी में मैंने सारा हाई ब्रांड को रखा है, इसमें मैंने अफोर्डेबल रखा है, तो मैं आपको बताती हूँ ये सारा आप यूज़ कर सकते हो ब्राइडल पे, जिनको भी हैवी मेकअप चाहिए उन पे, एंड ये सब आप सैडर को भी दे सकते हो, जिनको लाइट पार्टी मेकअप चाहिए उनको भी दे सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपकी वैनिटी में होना चाहिए ये है सालिची टिलबरी का एयरब्रश फ्लॉलेस फाउंडेशन, बहुत अच्छा फाउंडेशन है। इसमें मेरे पास शेड है 4 न्यूट्रल, ये हर एक स्किन टोन पे चला जाता है, तो मैंने ये वाला शेड परचेज किया एंड मैं आपको भी रेकमेंड करूंगी कि आप यही वाला एक शेड लेना अगर आपको एक ही लेना है, अदरवाइज मैं इसका एक शेड लेने वाली हूँ 07 अभी रिसेंट में, तो आप 04 एंड 06 रख सकते हो। नेक्स्ट आप ले सकते हो नार्स का फाउंडेशन, तो मैं ना एक ऐसा शेड ढूंढ रही थी नार्स में, यह है पंजाब, जो कि हर एक स्किन टोन पे चला जाए, तो ये जो पंजाब शेड है ना बहुत हद तक सारे स्किन टोन पे चला जाता है बस डस्की स्किन को छोड़ के, तो ये भी डस्की स्किन टोन पे नहीं जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ इसमें हल्का सा मैं मिक्स कर देती हूँ कोई भी डार्क शेड का फाउंडेशन किसी भी ब्रांड का, तो अगर आपको कोई एक ही शेड लेना है ना नार्स का पंजाब आप ले सकते हो। नेक्स्ट आप ले सकते हो एक वाटर प्रूफ फाउंडेशन अगर आप ढूंढ रहे हो अफोर्डेबल रेंज में, फॉरएवर 52 का फाउंडेशन, ये है फॉरएवर 52 का प्रो आर्टिस्ट अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन, बहुत अच्छा है। इसमें मेरे पास दो शेड है, एक है कस्टर्ड एंड एक है मेरे पास यहाँ पे
कैरेमल। सो आप इन दोनों शेड को रखना, एक लाइट है एक डार्क है, बहुत अच्छे से आप कस्टमाइज भी कर लोगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 02 एंड 011। सो हर एक फाउंडेशन का आपको दो शेड रखना चाहिए। ये दोनों मेरे बजट में नहीं था ज़्यादा, इसलिए मैंने दो नहीं खरीदा, मैंने एक खरीदा। पहले मैं देखना चाहती थी इसका फॉर्मूला कैसा है। अब मैं इसका एक और शेड ले लूँगी डार्क, एंड इसका भी मैं डार्क शेड ले लूँगी। अभी फिलहाल मेरे पास यही है। नेक्स्ट, आप ऐसा फाउंडेशन ज़रूर रखो जिससे ना आपका जो मेकअप है बहुत इवन दिखेगा। मतलब ये एक ऐसा फाउंडेशन है फॉरएवर 52 का जो कि बहुत नेचुरल लुकिंग लगता है। इससे ज़्यादा मतलब ये हल्का है, मतलब ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो मतलब आपको इसका जो टेक्सचर होता है ना वो बहुत हैवी नहीं लगेगा। ये पूरा पूरा मैट है, ये मैट नहीं है, ये सेमी मैट है। तो इसमें भी आपको दो रखना है, 06 है एक मेरे पास एंड एक मेरे पास है यहाँ पे 03 सॉरी। सो इन दोनों को आप रख सकते हो, इवन आप 03 एंड 011 भी रख सकते हो। तो ये डार्क हो गया एंड ये एक आपको लाइट हो गया। सो इससे भी अगर आप लाइट चाहते हो तो आप 011 रख लेना। नेक्स्ट, यहाँ पे मेरे पास बॉबी ब्राउन का फाउंडेशन है, ये भी बहुत अच्छा फाउंडेशन है ब्राइडल के लिए। ये है, इसमें मेरा शेड है बेज एंड एक मेरे पास शेड है यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि है वॉर्म हनी। एक लाइट है एक डार्क है, मैंने मिनी साइज का परचेज किया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है ब्राइडल के लिए। कौन कौन सा रिकमेंडेशन देना चाहती हूँ, ये आप यूज़ कर सकते हो, ये भी 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 कर सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन इन दी शेड चीज़ केक 250Z। तो मैं ना यही ये वाले शेड को ना बहुत सारे क्लाइंट के ऊपर यूज़ की हूँ। मैं इसमें क्या करती हूँ, जो भी क्लाइंट मेरे पास आता है डस्की स्किन टोन का, तो मैं क्या करती हूँ हल्का सा मैं डार्क शेड इसका यूज़ कर लेती हूँ या इसका यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इन तीनों का टेक्स्चर सेम है। तो जिस भी फाउंडेशन का आपको टेक्स्चर सेम लग रहा है ना, अगर आपके अदर ब्रांड में, तो आप मिक्स कर सकते हो। अगर मुझे फेयर करना होता है तो मैं ये वाला शेड मिक्स कर देती हूँ जो कि एक लाइट शेड है। तो इन दोनों को मिक्स करके भी मेरा बन जाता है, मैंने एक ही परचेस किया है इसका। सॉपरेल का फाउंडेशन भी काफ़ी अच्छा है, मेरा शेड है 06 इसमें, जो कि मीडियम स्किन टोन पर जाता है ये वाला शेड। तो अगर आपको दो शेड लेना है आप ले सकते हो, मेरे पास एक ही फिलहाल है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का स्टिक फाउंडेशन है, एक का शेड है F15, एक का शेड है F6। तो एक लाइट है एक डार्क है। मेरे पास एलिगल का भी दो शेड है, एक मेरा वह अभी ना मतलब दूसरी जगह रखा हुआ, बस मैं आपको बता रही हूँ। ये ड्राई स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, फेयर एक मेरे पास है एंड एक मेरे पास वॉर्म हनी है। तो आप जिस भी फाउंडेशन के ऊपर इवॉरी लिखा हुआ रहता है, बेज लिखा हुआ होता है, फिर इस तरह का शेड लिखा हुआ होता है, कस्टर्ड, आप समझ जो वो लाइट होता है, जिस भी फाउंडेशन के ऊपर कैरेमल, वॉर्म हनी, वॉर्म न्यूड, तो वो मीडियम टू डस्की पे जाता है। नेक्स्ट आपको रखना चाहिए मैक का फाउंडेशन अपने मेकअप वैनिटी में। मेरे पास दो शेड है NC20 एंड एक है मेरे पास NC45। तो इन दोनों को मैं अगर मिक्स करती हूँ तो बहुत अच्छा शेड बनता है, एक डार्क एक लाइट। नेक्स्ट मेरे पास ये एलिगर्ल का फाउंडेशन, ये साइडर मेकअप या पार्टी मेकअप के लिए काफ़ी यूज़ होता है। 140 इसमें शेड मेरे पास है, क्रेलॉन के मेरे पास है यहाँ पे पेनस्टिक, बट मैं ये आपको इतना रेकमेंड नहीं करना चाहती हूँ। नेक्स्ट अगर आप रखना चाहते हो मिलानी का फाउंडेशन तो आप रख सकते हो, बट अभी ये सब इतना नहीं चल रहा है। तो मैं आपको बोलूँगी क्या कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप फॉरएवर 52 का ले लोगे ना तो इन सब की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट आप वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन भी रख सकते हो, अफोर्डेबल में है 500 का। एक लाइट है इवॉरी आई गेस एंड एक फिर से है डार्क जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे मोका। तो आप क्या करो, कंफ्यूज क्यों इतनी हो जाते हो आप लोग फाउंडेशन शेड के ऊपर। आप एक लाइट लो एक डार्क लो, एक लाइट लो एक डार्क लो, दो फाउंडेशन रखो, मत खरीदो। क्लाइंट हमारे पास कम से कम 50 स्किन टोन का आता है, तो आप 50 शेड थोड़े खरीदोगे एक फाउंडेशन का, आपको दो ही खरीदने, मैं बार बार बोल रही हूँ। पैक का फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है, मीडियम कवरेज देता है। तो मेरे पास इसमें शेड है 2.0 एंड एक मेरे पास डार्क है, इसका भी मेरे पास अगेन दो कलर है, एक लाइट एक डार्क, मैं दोनों को कस्टमाइज कर लेती हूँ। अगेन मेरे पास ये मेबलिन सुपरस्टे का फाउंडेशन है जो कि अभी फिलहाल इतना नहीं चलता है, बट पहले ये काफ़ी चलता था। तो एक मेरे पास शेड है हनी आई गेस एंड एक मेरे पास है इसमें इवॉरी। तो अगेन मैंने बोला एक लाइट एक डार्क रखो। तो इतने ही फाउंडेशन मैं अभी यूज़ कर रही हूँ फिलहाल अपने ब्राइडल के ऊपर। तो नेक्स्ट मैं आपको एक एयर ब्रश का दिखा रही हूँ, यहाँ पे है मेरे पास, ये टैम 2 का है एयर ब्रश फाउंडेशन। तो
इसमें मेरे पास जो शेड है जो मैं हर एक क्लाइंट पे चला लेती हूँ वो है 003। रहती है कंसीलर की, तो कंसीलर मैं कौन कौन सा यूज़ करती हूँ जो मैं आपको भी रेकमेंड कर सकती हूँ। मैं फॉरएवर 52 का कंसीलर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है। तो इसमें मेरे पास दो शेड है, 02 04। तो दो शेड मैं कंसीलर का भी लेती हूँ, एक है लाइट 02 एंड 04 मीडियम। तो कंसीलर आप बहुत ज़्यादा डार्क शेड का मत लीजिएगा, मतलब ऐसा लीजिएगा जो हल्का लाइट हो क्योंकि हम इसे हाईलाइटिंग भी करते हैं। नेक्स्ट है ये एल्फ का, मेरे पास दो शेड है इसमें भी, अगेन एक है लाइट इवॉडी एक है लाइट सैंड। तो इसमें भी एक लाइट एक डार्क मैंने रखा हुआ है। टार्ट का मैंने एक ही रखा क्योंकि बहुत महंगा था, तो मैंने पहले सोचा ट्राई करती हूँ, फिर मुझे अच्छा लगा तो मैं दूसरा शेड परचेस करूँगी। तो इसमें मेरे पास शेड है, आप यहाँ देख सकते हो, लाइट मीडियम, ये सब पे चला जाता है। इवन मैंने इसको डस्की पे भी यूज़ किया हुआ है, काफ़ी अच्छे से किया है। हुडा ब्यूटी का कंसीलर हायर ब्रांड में आप ले सकते हो। सो अगेन मेरे पास इसमें दो शेड है, ये है शेड आपको ग्राहम क्रैकर फर्स्ट, एक लाइट है जो कि है यहाँ पे आपको दिखेगा कोकोनट फ्लेक्स, अफोर्डेबल हो, अल्ट्रा अफोर्डेबल। स्विस ब्यूटी का कंसीलर आपको याद दिख रहा होगा, मैंने इसको बहुत यूज़ किया हुआ। इसमें 02 04 आप ये ले सकते हो, मेबेलिन का एज डिवाइन कंसीलर एंड शुगर का कंसीलर भी डिसेंट है, काफ़ी अच्छा है, आप इसको ले सकते हो। कंसीलर इतना ही मैं यूज़ करती हूँ, बाकी मेरे पास क्रेलॉन है ही, क्रेलॉन के पैलेट मैं इससे भी कंसीलिंग कर लेती हूँ। बारी आती है किसकी, लूज पाउडर की या फिर कॉम्पैक्ट की, तो चलो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ जो कि मेरा फेवरेट लूज पाउडर है, अफोर्डेबल भी है, के ब्यूटी का, तो आप इसको ले सकते हो। इसमें आप दो शेड ले लेना, एक बनाना एक बेज। मेबेलिन का आप लूज पाउडर ले सकते हो अफोर्डेबल में, ये है मेबेलिन का लूज पाउडर। इसमें मेरे पास शेड है 15 इवॉरी, 25 भी ले सकते हो। हुडा ब्यूटी का मेरे पास है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है ये लूज पाउडर, मेरा शेड इसमें बनाना ब्रेड जो मैं हर एक क्लाइंट पे यूज़ कर लेती हूँ। तो मार्स का अफोर्डेबल में ले सकते हो ट्रांसल्यूशन पाउडर, एंड आपके मेकअप वैनिटी में एक मैक का स्टीरियो फिक्स कॉम्पैक्ट होना ही चाहिए। दो शेड लेना, NC20 ले लेना एक, एंड एक NC35 ले लेना, ये दोनों सब पे चला जाएगा। NC35 मीडियम टू डस्की पे, NC20 फेयर टू मीडियम पे। एंड ये शुगर का लूज पाउडर मुझे काफ़ी पसंद है, इसमें मेरे पास दो शेड है। यहाँ लूज पाउडर में सब में मेरे पास दो दो शेड है, बस मैंने रखा नहीं है एक साथ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सब कुछ दिखाऊंगी तो। एंड एक आप रख सकते हो मेक रोलेशन का लूज पाउडर, मतलब आपको इतना नहीं रखना है, आप ये मत सोचना कि मैं इतना दिखाने तो कुछ सारा लेना है। देखो रिकमेंडेशन लेना चाहते हो ना, एक एक रेकमेंड कर रही हूँ। देखो मेबेलिन फिट मी रख लेना, के ब्यूटी रख सकते हो, हुडा ब्यूटी रख सकते हो, एंड मैक का। बारी आती है ब्रॉन्जर की, तो ब्रॉन्जर के लिए पहले तो मैं बता देती हूँ कि जो आप डार्क शेड देखते हो ना किसी भी कंसीलर पैलेट में, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो एज ए कॉन्टोर या एज ए ब्रॉन्जर। बाकी मैं पाउडर ब्रॉन्जर बता रही हूँ यहाँ पे, ये क्रीम प्रोडक्ट है बेसिकली। ये हुडा ब्यूटी का टेंटोर है, आप देख सकते हो मेरे पास इसमें शेड है लाइट। तो इसमें तीन शेड आता है, एक आता है लाइट, एक आता है मीडियम, एक आता है डार्क। तो ये फेयर टू मीडियम पे जाता है लाइट शेड हुडा ब्यूटी का। नेक्स्ट आप ब्रॉन्जर के लिए ले सकते हो, सबसे बेस्ट ब्रॉन्जर वो है शुगर का वुडी बॉन्डर शेड। नेक्स्ट आप रख सकते हो ये बहामा मामा का ब्रॉन्जर। नेक्स्ट जो हर एक मेकअप आर्टिस्ट के मेकअप वैनिटी में होता है हुला का, तो अफोर्डेबल में आपको बता रही हूँ मैं, ये हाई एंड में ये एंड ये। एंड हाँ मेरे पास एक और प्रोडक्ट है जो कि मैं आपको बोलना चाहूँगी, आप इस तरह का भी ले सकते हो पैलेट जिसमें आपको तीनों चीज़ मिल जाता है, जैसे कि आपको ब्लश ब्रॉन्जर हाइलाइटर आप ये भी ले सकते हो। अदरवाइज अल्ट्रा अफोर्डेबल भी लेना चाहते 300 रुपये का ये मार्स का फैंटेसी फेस पैक जिसमें आपको ब्रॉन्जर ब्लश हाइलाइटर तीनों मिल रहा है। अभी बारी आती है लिक्विड ब्लश की, तो लिक्विड ब्लश के लिए मैं यहाँ पे O2O का लिक्विड ब्लश यूज़ करती हूँ, इंदे से 03 प्लस NYBA का लिक्विड ब्लश है, काफ़ी अच्छा है अफोर्डेबल। ये हाईलाइटर की, तो हाईलाइटर के बिना तो मेकअप इनकम्प्लीट लगता है सबका। तो हाईलाइटर के लिए जो रिकमेंडेशन है मेरी वो है फॉरएवर 52 का हाईलाइटर इन दी शेड 03 से। ये मैक का हाईलाइटर सॉफ्ट एंड जेंटल, ये ऐसे शेड है ना जो सब पे चले जाएंगे, सॉफ्ट एंड जेंटल सब पे चला जाएगा, 03 भी सब पे चला जाएगा, ये सब पे चला जाएगा, फेयर मीडियम डस्की सब पे। नेक्स्ट अफोर्डेबल में यहाँ पे मेरे पास है ये मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाईलाइटर, वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर, एल्फ का हाईलाइटर भी बहुत अच्छा है, आप ले सकते हो। तो हाईलाइटर मुझे ये सारे काफ़ी पसंद है, मैं पर्सनली यूज़ भी करती हूँ। एंड आपको मैं बोलूँगी ज़्यादा हाईलाइटर में इन्वेस्ट मत करो, अफोर्डेबल में वेट एंड वाइल्ड का ले लो, मैक का एक ले लो, दो ले लो, बस एक ले लो आप गोल्डन टोन में, एक ले लो पिंक टोन में, आपको ज़्यादा नहीं तामझाम करना है। एक रखो आप फेयर के लिए, एक रखो मीडियम के लिए, एक रखो डस्की के लिए। मतलब देखो
फेयर टू मीडियम की लड़को, मीडियम टू रस्की, दो ही रखो। मैं आपको बोलूंगी ज्यादा इन्वेस्ट मत करो, प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है। मैं भी कभी कभी यूज नहीं कर पाती इतने सारे प्रोडक्ट रहते हैं। तो ब्लश के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये फ्लावर ब्यूटी का ब्लश, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। शुगर का ब्लश मेरे पास, शुगर का पैलेट भी था जो मैंने आपको दिखाया, ट्रायो पैलेट। के ब्यूटी का ब्लश डिसेंट है, रेनी का ब्लश डिसेंट है, नायका का डिसेंट है। अदरवाइज मेरे पास यहाँ पे फॉरएवर 52 का ब्लश पैलेट है, जिसमें आपको बहुत तरह के शेड मिलते हैं। आप देख सकते हो जैसे कि आपको कोरल कलर हो गया, लाइट पिंक हो गया, फिर मॉवी पिंक हो गया, हर तरह का आपको पिंक टोन मिलता है, तो आप इसको ले सकते हो। तो ये है 8 ब्लशर पैलेट, 2600 इसकी प्राइस है आई गेस। तो आप इसी को लेना क्योंकि इसमें बहुत सारे शेड है। तो मेकअप आर्टिस्ट को ना क्या करना चाहिए, दिमाग वाला काम करना चाहिए। आप इतना बड़ा पैलेट लो, बहुत सॉर्टेड हो जाओगे, आपको लेना ही नहीं इतना सारा ब्लश, ये लो एकदम सॉर्टेड हो जाओगे। तो यदि आई शेडो पैलेट की, तो आई शेडो पैलेट मेरे पास ये काफ़ी सारे आप देख सकते हो, मैंने काफ़ी सारे निकाल के रखे हैं। तो आपको कौन सा लेना है एंड स्मार्ट वर्क कीजिए। देखिए इन्वेस्ट मत कीजिए ज़्यादा प्रोडक्ट पे, मैं आपको बार बार बोलूँगी क्योंकि मैं खुद एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं देखती हूँ ये चीज़ कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर पाते, जो हमें पसंद होता है हम वही रिपीट करते हैं। तो जो मेरा रेकमेंड, सो मेरा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है जो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी, एकदम होता है ना आग बंद करके मेरी बात को आप मान लेना, ये है बी परफेक्ट कॉस्मेटिक कार्निवल एक्सेल प्रो पैलेट। इस पैलेट को आप जरूर से जरूर लेना, ये एक प्रोफेशनल आई शेडो पैलेट जिससे आप किसी भी तरह का आई मेकअप कर लोगे, इंटरनेशनल लेवल का भी। ये कलरफुल, जिसे सटल हो गया, वाइब्रेंट हो गया, हर तरह के लिए काम आता है। तो ये पैलेट मैं आपको हाईली रिकमेंड, इसको ले लेना, आप 2-3 साल के लिए निश्चिंत हो जाओगे, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा। एंड ये आपको ना इंस्टाग्राम शायद पे मिल जाएगा, मतलब देखो बहुत लोग आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि मैम आप कहाँ से लेते हो ये सारे प्रोडक्ट, तो आपको ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऑथेंटिक ऐसे मिलते हैं स्टोर जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट रखते हैं, तो आप उनसे ले सकते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1-2 का लिंक लगा दूंगी जिससे मैंने ये सब परचेज किया हुआ है। तो ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट ये हुडा ब्यूटी का पैलेट, तो ये है हुडा ब्यूटी का रोज गोल्ड आई शेडो पैलेट, इसको आप ले लेना, बहुत अच्छा पैलेट है, ट्रस्ट मी बहुत। इसमें जो मैट शेड है वो इतने अच्छे मुझे नहीं लगते हैं, बट जो इसका शिमरी शेड है वो बहुत अच्छा है, तो आप इसको ले सकते हो। इससे भी ज़्यादा अच्छा पता है आपको मुझे ये नॉटी आई शेडो पैलेट अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ना जो शेड है ना वो मैं यूज़ करती हूँ अपने ब्रांड पे, जैसे कि ब्राउन हो गया, मीडियम ब्राउन, डार्क ब्राउन, तो ये सारे वार्म कलर इसमें आपको मिलेंगे। तो मुझे ये पैलेट भी बहुत अच्छा लगा, इसको मैंने सेल पे लिया था, हाफ प्राइस में मुझे ये मिला था। आप ये रख सकते हो। नेक्स्ट आप रख सकते हो इस तरह का फॉरएवर 52 का पैलेट, 1600 में आपको आ जाएगा। इसमें आपको वार्म कलर, फिर इस तरह के शेड भी मिल जाएंगे, मतलब इसमें 3-4 कैटेगरी आते हैं, तो आप इस पैलेट को भी ले सकते हो, काफ़ी अच्छा है अफोर्डेबल में। ये सारे आपको 5000 के आएंगे, बट ये अफोर्डेबल हो गए। फिर ये भी बहुत अफोर्डेबल है आई मैंसी का शेडो पैलेट, इसमें आपको बहुत तरह के कलरफुल शेड मिल जाएंगे जो कि हम पर्सनली यूज़ करते हैं अपने क्लाइंट के ऊपर। सो ये भी बहुत अच्छा पैलेट है, आप देख सकते हो इसमें भी बहुत अच्छे से शेड है। एंड बाकी ये तो आपको महंगा हो जाएगा ना कार्निवल पैलेट, ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, तो इस वजह से मैं आपको ये वाला रेकमेंड करूंगी, 1500 से 1600 में आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन मेरे पास अफोर्डेबल ब्यूटी ग्लेस का है कलरफुल चार्म कलर आई शेडो पैलेट। तो अगर आप कार्निवल नहीं ले सकते, क्योंकि कार्निवल हर किसी को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ये सारे ले सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे वाइब्रेंट शेड, फिर वार्म शेड मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। तो पैलेट है फॉरएवर 52 का जो कि न्यूट्रल काइंड ऑफ हुआ, इसमें आपको सारे मतलब वार्म कलर, फिर न्यूड कलर सब कुछ मिल जाएगा, तो आप इसको भी ले सकते हो। आई थिंक ये आना बंद हो गया है, तो इतने सारे पैलेट मैं अपने वैनिटी में रखती हूँ। मैं ज़्यादा पैलेट है मेरे पास, बहुत सारे पैलेट आप बिलीव करोगे, मेरे पास अभी 20-25 पैलेट रखे हुए होंगे, मतलब पड़े हुए मेकअप रिवोल्यूशन के हैं मेरे पास, फिर बहुत सारे ब्रांड के, वेट एंड वाइल्ड के हैं, बहुत सारे ब्रांड के, बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं यही सब यूज़ करती हूँ। तो रिकमेंडेशन फर्स्ट ये हो गया आपको, नेक्स्ट ये हो गया, थर्ड आप ले सकते हो ब्यूटी ग्लेस का या फिर आई मैजिकल। मैंने ग्लिटर के लिए ना इस तरह का बॉक्स परचेज किया हुआ है, ज्वेलरी बॉक्स है बेसिकली, तो इसमें मैंने अपने सारे ग्लिटर रखे हुए हैं। तो अमेजोन से अगेन मैंने इसको लिया हुआ, ग्लिटर में भी नंबर होता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, मतलब ग्लिटर का जो पार्टिकल होता है ना कितना बड़ा होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अफोर्डेबल से। मेरे पास ये फॉरएवर 52 के ग्लिटर काफ़ी ज़्यादा है, फॉरएवर 52 का जो स्टार डस्ट आप देख रहे हो ना अफोर्डेबल है, तो अफोर्डेबल में इन सारे ग्लिटर को आप रख सकते हो। तो जरदोशी शेड है, तो मैं बोलूँगी आपको कि आपको 4 से 5 शेड रखने चाहिए, जैसे कि आप ये वाला शेड जरदोशी आपको रखना चाहिए, आपको ये पिंक रखना चाहिए, आपको एक इस तरह का शेड रखना चाहिए, फिर
पिंक रखना चाहिए, फिर एक आप इस तरह का शेड रख सकते हो एंड एक ब्लू ब्लू रख सकते हो आप इस तरह का, ये ले सकते हो आप। फिर स्विस ब्यूटी के मेरे पास फॉइल पिगमेंट है, आप ये ले सकते हो। यहाँ पे भी फॉरएवर 52 का ही ग्लिचर है, आप देख सकते हो, ये भी बहुत अच्छा शेड है गोल्ड गोबल। सो यहाँ पे मेरे पास सॉपेल का फोटो रेडी आई ग्लिटर 07, ये सिल्वर कलर में, ये भी बहुत अच्छा ग्लिटर है, तो आप इसको भी ले सकती हो। जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ वो है LIT का, तो LIT का ग्लिटर काफ़ी कॉस्टली आता है, 1300 रुपीज़ का आता है। तो एक तो मेरे पास शैम्पेन विशेष शेड है जो कि गोल्डन है, एंड एक मेरे पास है ये प्रोसलिन जो कि एक लाइट शेड है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैं ना बजट देख के प्रोडक्ट लेती हूँ, जैसे कि मेरे पास दो ही शेड है, मैं चाहे तो बहुत ले सकती हूँ बट मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि ये देखो ब्राइडल पे चला जाता है, ये एंगेजमेंट ब्राइड पे चला जाता है, बाकी अफोर्डेबल में तो मेरे पास है ही फॉरएवर 52 के। नेक्स्ट मेरे पास ये किंगडम ऑफ लैसेस के भी ग्लिटर है जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं, ये अगर 1300 का तो ये 650 में वो बहुत अच्छा मिल रहा है। तो जो आपको शेड लेना चाहिए ये है शिंकिंग सैंड, बहुत अच्छा ये वाला शेड है, एंड ये तो बहुत अमेजिंग शेड है, ये ब्राइडल ग्लो शेड है आई गेस, तो ये बहुत अच्छा शेड है ब्राइडल के लिए। एंड एक मेरे पास पर्पल टोन में यहाँ पे है ये शेड है, आप देख सकते हो पर्पल स्टार। तो अगर आप LIT का नहीं ले सकते तो आप ये भी ले सकते हो। ग्लिटर प्राइमर चाहिए आपको, क्योंकि आप ग्लिटर को कैसे लगाओगे, तो मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ PAC का, आप ले सकते हो, अफोर्डेबल है एंड आप यूज़ कर सकते हो आईब्रो फिलिंग की। तो मैं PAC का आईब्रो पोमेड ही यूज़ करती हूँ, मेरे पास यहाँ पे शेड है आप देख सकते हो शेडर क्रैम, एंड एक मैं यूज़ करती हूँ ये यूरोप गर्ल का। अब बारी आती है काजल की, फिर मस्करा की, लाइनर की। तो काजल के लिए मैंने इतना सारा रखा जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं एक एक करके फटाफट दिखाती हूँ। फॉरएवर 52 का ब्राउन काजल मैं यूज़ करती हूँ, रिकोड का मैं ब्लू काजल यूज़ करती हूँ, एंड स्विस ब्यूटी का मेरे पास है, फिर मेरे पास रिकोड का ब्लैक काजल एंड शुगर का ब्लैक काजल है, तो एंड वाइल्ड का न्यूड कोल, तो मैं इतना ही यूज़ करती हूँ यही सारे ब्रांड का। कलरफुल में आपको लेना है तो फॉरएवर 52 एंड रिकोड का ले सकते हो, एंड शुगर का काजल ले सकते हो, बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज लिक्विड लाइनर दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे, रैने का लिक्विड लाइनर मुझे बहुत पसंद है, कलबा का मुझे काफ़ी पसंद है, एंड मेवलिन का, एंड जो मेरा फेवरेट मतलब फेवरेट कहते हो ना आप जेल लाइनर, वो है इनग्लॉर का। आप इसको एक बार लोगे ना आपका एक साल आराम चलेगा, मेबलिन का बिल्कुल मत लेना, वो ड्राई हो जाता है। 4 से 5 फाइल मैंने मेबलिन का परचेज किया बट हमेशा वो ड्राई हुआ, बट इनग्लॉर का एक बार ले लोगे ना अगर आप, 1500 का है आई नो बट ये बहुत दिन चलेगा। तो आप लैसेस की, तो आजकल जो मैं लैसेस यूज़ करी वो है इंस्टाग्राम स्टोर फ्रॉम मिंक लैसेस 0। सो इनके लैसेस मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे होते, काफ़ी फ्लटरी होते एंड बहुत अच्छी सी क्वालिटी भी है। सो हाईली रिकमेंड करूँगी मैं ये वाला लैसेस, अमेजोन पर आपको लेस व्यू करके ये वाला लेसेस मिल जाएगा, आप इसको ले सकते हो, अगेन अफोर्डेबल, एंड ये आपको बेफोलिन में आप ले सकते हो। एंड ग्लू के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ अपने क्लाइंट के ऊपर वो है PAC का ये लेस फिक्सर। मैं PAC के अलावा आज तक कोई ब्रांड ट्राई नहीं किया, तो मैं आपको यही रेकमेंड करना। मैं आपको कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट दिखाती हूँ जो कि मेरे ख्याल से ना हर किसी के वैनिटी में होना चाहिए। इस तरह का फाउंडेशन प्लेट, स्पैचुला डन, इस तरह का आप चाइनीज रबर, इस तरह का आपको ईयरबड, इस तरह का आपको पाउडर पफ कंपल्सरी, ये रखना आपको। नेक्स्ट ब्यूटी ब्लेंडर मैं प्लूम का यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, प्लूम हो गया, फॉरएवर 52 हो गया, मैं यही दोनों ब्रांड का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं यही दोनों आपको रेकमेंड करना चाहती हूँ। अभी मेरे पास फॉरएवर 52 का यहाँ पे है नहीं, क्योंकि मैंने वॉश करके उसको रखा है। तो इस तरह का शार्पनर रख सकते हो, ये भी कंपल्सरी है। मेकअप फिक्सर की, तो मेरे पास मेकअप फिक्सर कम से कम 10-15 है, बट जो मैं यूज़ करती हूँ मैं वही बोलूँगी। मैक का मेरा ये दूसरा फाइल है जो कि खत्म हो गया, नया वाला मेरा ऑर्डर किया हुआ है, तो ये मैक का फिक्सर ले लेना आप, अफोर्डेबल में ठीक है। फ्लावर ब्यूटी का भी डिसेंट है, पैक का फिर बहुत अच्छा है, फॉरएवर 52 का भी बहुत अच्छा है, एंड मेकअप रिवोल्यूशन का ब्रशेस, मेकअप ब्रशेस, तो मेकअप ब्रशेस बहुत सारे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास, तो मैं फटाफट आप बता देती हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ब्रशेस के ऊपर अलग से वीडियो बना लूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट आप ले सकते हो यहाँ पे मेरा फेवरेट ब्रांड जो कि गेस करो आप लोग कौन सा होगा, बॉजी ब्यूटी का। तो बॉजी ब्यूटी का इंटायर सेट मैंने परचेज किया हुआ है, रेने का मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये मुझे PR में रिसीव हुआ था, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट कफ एंड लेसेस का अफोर्डेबल में अच्छा है, जिनका बजट ज़्यादा नहीं है 1600-1700 तक का है वो ले सकते हैं। प्लूमी को अगेन, जिसका नाम आप शायद चेंज हो गया आई गेस, प्रॉस ब्यूटी ऐसे करके कुछ इनका नेम हो गया है, प्लूम का बहुत अच्छा है मेरे पास, इसका इंटायर शेड है। एंड यहाँ पे कुछ मेरे पास मार्स के है,
एंड ये सारे ब्लेंडिंग ब्रश मेरे पास प्लूम के है, पीएससी के है, पीएससी का आई स्क्वायर किट सीरीज का मेरे पास है, पीएससी का ना आई स्क्वायर किट का सीरीज फिर से लॉन्च हुआ था, तो ये रहा पीएससी का, पीएससी का भी बहुत अच्छा होता है। सो ये मैंने मतलब मिक्स मैच है, जैसे कि मैं ब्रांड बता देती हूँ मैं कौन से यूज़ करती हूँ। कफ एंड लेसेस अफोर्डेबल में, मार्स अफोर्डेबल में हो गया आपको बॉजी ब्यूटी रैने प्लूमिको, मैं ये सारे ब्रांड का यूज़ करती हूँ यानी, बट नॉट द लिपस्टिक। लिपस्टिक आपके पास कौन कौन से होने चाहिए तो मैं फटाफट से दिखाती हूँ आपको। मेवलिन सुपरस्टे मैटिंग लिपस्टिक, फिर आप रहने का लिपस्टिक ले सकते हो, प्लूमिको का कुछ मेरे पास, लॉरियल के रूज लिपस्टिक, सुगर के लिपस्टिक है मेरे पास, क्रियॉन है मेरे पास, सो बहुत सारे लिपस्टिक के सेट है, बट मैं आपको ज़्यादा रिकमेंडेशन लिपस्टिक के ऊपर अभी नहीं दूंगी क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो जो मैं आपको फटाफट से रिकमेंडेशन देना चाहती हूँ, मेवलिन प्लूमिको रैने बेस्ट, ये तीनों के लिपस्टिक पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद है, सो मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। अदरवाइज आपको जो लेना है आप ले सकते हो। ग्लॉस के लिए मेरे पास रहने का ग्लॉस है ठीक है, अगर डिटेल वीडियो देखनी है ना कौन कौन सा शेड रखना चाहिए अपने मेकअप वैनिटी में तो डिटेल वीडियो जरूर से जरूर बनाऊंगी। तो ये रहा, आप इंटायर देख सकते हो मेरा खजाना मेकअप का, आप इसको मेरा मेकअप का खजाना ही बोलोगे क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट मुझे निकालना पड़ता है जब भी मेरे ब्राइडल मुझसे रेडी होने आते हैं एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइज। आपको लगता होगा ना कि मेहनत नहीं लगती है मेकअप करने में, या फिर आपको ऐसा लगता होगा ये सारे प्रोडक्ट मतलब आसान है परचेज करना तुरंत, तो मेरे लिए आसान नहीं था, मैंने बहुत मेहनत की एंड देन अब मैं ये सब प्रोडक्ट परचेज की हूँ। अभी भी मैं बहुत सारे प्रोडक्ट मेरे रखे हुए, मतलब इतना प्रोडक्ट मेरा रखा हुआ है जो कि मैं अब यूज़ नहीं कर रही हूँ, डिक्लटर हो गया है, बट बहुत मेहनत लगती है प्रोडक्ट को जोड़ने में। तो आप समझ सकते हो कि आपके पास भी ये प्रोडक्ट जरूर आएंगे, अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो, आप बिगनर्स हो मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड में नए नए आए हो एंड आप ये सोच रहे हो ना कि काश हमारे पास भी इतने सारे प्रोडक्ट होते, तो डेफिनेटली आप हार्डवर्क करो, हार्डवर्क से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं होता, अगर आप मेहनत करोगे ना डेफिनेटली मेरे से ज़्यादा आपके पास मेकअप होगा। एंड बस मैंने अपना एक मेकअप वैनिटी आपको टूर दिया कि मेरे पास इतने सारे प्रोडक्ट रहते एंड मैं रखती हूँ क्योंकि मुझे यूज़ होता है, बाकी आपके बजट में जो फिट होता है वो ले लेना, बाकी देख लेना सारे प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देगा जो कि फ्री होता है, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।